गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अष्टमिक विद्यालय किला पाली, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न देखते हैं, 1, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो जवाब होगा, आंसर होगा कि हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक, शिक्षक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाब खाना आदि की सफाई करते हैं। प्रश्न नंबर 2, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। प्रश्न नंबर 3, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो आंसर होगा कि पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं हर रोज हमारा पायखाना और स्नानघर साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें देखते हैं, प्रश्न नंबर 1, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो आंसर होगा कि मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, बिनक रही मक्खियां और चारों ओर फैली गंदगी देखी। प्रश्न नंबर 2, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 3, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी, उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो आंसर होगा कि हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं, अच्छा, कोमल, लाल और सफ़ेद। तो उदाहरण है सुंदर, तो वाक्य में प्रयोग बाग में सुंदर फूल खिले हैं। इसी तरह पहला है अच्छा, तो वाक्य बनेगा विपुल अच्छा लड़का है। दूसरा कोमल, तो वाक्य बनेगा कि बगीचे में कोमल घास है। लाल, तो उसका वाक्य बनेगा सूरज ने लाल झाड़ी सॉरी सुनीता ने लाल साड़ी पहनी है। सफ़ेद, तो वाक्य बनेगा कि मैदान में सफ़ेद गाय चरती हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, अंगों को काम से मिलाइए। तो यहाँ पर अंगों का नाम लिखा गया है और उनका जो काम है वो लिखा गया है। तो कान से हम क्या करते हैं? तो कान से हम गाना सुनते हैं। क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। आँख से हम क्या कर सकते हैं? तो फिल्म देखते हैं। नाक से हम क्या करते हैं? तो फूल से सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से क्या कर सकते हैं? तो हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं। दांत से खाना चबाते हैं और सॉरी
मुंह से गाना गाते हैं? अब्बा, सही मिलन को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो हमें वाक्य में लिखना है तो कान से गाना सुनते हैं, इसका कान से गाना सुनते हैं ऐसा हमें पूरा वाक्य बनाना है, और जो रेखा क्रिया जो दी गई है उसे हमें रेखांकित यानी कि उसके नीचे लाइन करनी है। तो यहाँ पर सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि नीचे लाइन करनी है। दूसरा नाक से, तो नाक से फूल सूंघते हैं, तो क्रिया सूंघते हैं। नंबर यहाँ पर पैर से, तो पैर से चलते हैं, तो क्रिया दी गई है चलते हैं। हाथ से बल्ला घुमाते हैं, तो यहाँ पर क्रिया है घुमाते हैं। दांत से खाना चबाते हैं, तो क्रिया में चबाते हैं। मुँह से गाना गाते हैं, तो यहाँ पर गाते हैं। तो बच्चों आपको ये वाक्य लिखने हैं, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है इसी तरह ये वाक्य लिखने हैं और जो क्रिया है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर चित्र दिया गया है उसका हमें वर्णन करना है। यह दीपावली का दृश्य है, तो दीपावली अश्विन महीने में अमावस के दिन मनाई जाती हैं। तो दीपावली दीपों का त्यौहार है, घरों को दीपकों से सजाया जाता है। एक लड़का कुछ, यहाँ पर देखो, एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है, दूसरी और भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही हैं, चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। इसी तरह आप चित्र का वर्णन करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषय पर चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों हम गांव के बारे में चर्चा करते हैं, तो मेरा गांव यानी कि हमें हमारे गांव के बारे में लिखना है। तो मेरे गांव का नाम जनकपुर है, तो बच्चों आपको यहाँ पर आपके गाँव का नाम लिखना है। मेरा गांव छोटा है, उसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की ही है। मेरे गांव में विविध जाति धर्मों के और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं, वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल है। पाठशाला में के पास ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती हैं। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहां रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती हैं। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। इसी तरह आपको अपने गांव के बारे में लिखना है और मेरी दिनचर्या, तो उसमें आपको सुबह से लेकर रात तक आप जो कार्य करते हैं वो आपको इसमें लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बनाइए और लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं। तो बच्चों आपको पोस्टर बनाने हैं। नंबर 7, पता कीजिए और लिखिए। स्वस्थ न रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो बच्चों आपको ये खुद ही सोचकर लिखना है। तो बच्चों आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, और मैं आपको मेरा गांव और मेरी दिनचर्या भेजूंगी, वो आपको आपके निबंध की नोटबुक में भी लिखना है और हिंदी की नोटबुक में भी लिखना। थैंक यू।